नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फेयर वॉइस और मैं हूं मोहित कोतवाल। आज आप देख रहे हैं कि जो चिंता की जाई वैली है, भद्रवा में जाई वैली में जो है यहां पे भद्रवाही कोड, भद्रवाही प्रोग्राम, भद्रवाही कल्चर का जो बहुत ही ज़रूरी हिस्सा जो है, जो कोड हमारी हमारी भाषा में कहते हैं, वो यहां पे आज हर साल जो है 20 जून को जो है वो यहां पे लगाया जाता है और इस बार भी लगाया गया है। हर साल ये लगता है यहां पे। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे जो मंदिर जो है वो भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर यहाँ पर बनाया जा रहा है पिछले 2-3 सालों से, उससे भी पहले से जो है यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण जो है वो हो रहा है। धीरे धीरे से इस मंदिर को बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ समय जो है बर्फ़ रहती है और उस समय में जो है मंदिर का काम बंद रहता है। आप देख रहे हैं अभी भी मंदिर का जो है वो काम चल रहा है। यहाँ पे जो चिंता के लोग हैं वो इस मेले को जो है हर साल यहाँ पर लगाते हैं। जून की 20 डेट को जो है यहाँ पे यह मेला लगता है और आप देख रहे हैं बड़े दूर दूर से लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी क्राउड, काफ़ी रश जो है यहाँ पे भक्तों का लगा हुआ है मेला देखने के लिए। 1 बजे से जो है यहाँ पे कोड जो है भद्रवाही कोड जो है वो लगेगा, तब तक जो है यहाँ पे भगवानों के भजन जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, आप नज़र डालिए यहाँ पे जो है बहुत सारे जो हैं वो लोग आए हुए हैं। भगवान भोलेनाथ जी का यहाँ पे काफ़ी बड़ा भव्य मंदिर जो है वो बनाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे भक्त जन जो है यहाँ पे आए हुए हैं और भजन भी यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके बाद मैं आपको मंदिर के अंदर लेके जाऊंगा और अंदर जाके भगवान भोलेनाथ जी का जो अंदर पिंडी है उसके आपको दर्शन करवाऊंगा। भक्त जन आप देख रहे हैं कितने भक्ति में माहौल में जो है यहाँ पे नाच रहे हैं, नाच के जो है अपनी हाजिरी जो है मेले में लगा रहे हैं। मेले में यही होता है कि आप जब मेले में आए, नाचें, गाएं, खुशी मनाएं। मेले का नाम होता है कि मिलना, और यहाँ पे मिल लोग जो है मिलते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवारों के साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे म्यूज़िक जो है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। आ चुके हैं मंदिर के अंदर और आप देखिए यहाँ पे काफी बड़ा जो है, काफी भव्य जो है मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। आप ये देख रहे हैं ये पुराना मंदिर है, पुराना मंदिर अभी तक यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे पुराना मंदिर, और इसके बाहर से जो है काफी बड़ा जो है मंदिर यहाँ पे बनाया जा रहा है। ऊपर वाली तरफ जो है भक्तजनों के रहने के लिए जो है वो बनाया जा रहा है। आइए मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ और भगवान भोलेनाथ जी के जो है वो आपको दर्शन करवाता हूँ। आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी की प्रतिमा जो है यहाँ पे बनी हुई है, साथ में आपको माँ पार्वती और गणेश नंदी जी भी यहाँ पे विराजमान हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी हम जो हैं प्राचीन मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर से जो है मंदिर को बनाया जा रहा है। काफ़ी यहाँ पे पुजारी जो हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे पुजारी प्रसाद जो हैं वो लोगों को जो हैं वो दे रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से जो हैं जो लोग यहाँ पे दर्शनों के लिए आते हैं, इस दिन जो हैं भगवान यहाँ पे भगवानों के दर्शनों के लिए जो हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो थोड़ी सी बात जो है वो पुजारी जी के साथ करते हैं। पुजारी जी, कब से यहाँ पे ये जो है मेला जो है वो लगाया जा रहा है? 2016 से मेला, और हर साल यहाँ पे ये जो मेला है वो 20 जून हर साल। अच्छा, ये स्थापना दिवस है। अच्छा, ये इसी दिन इस मंदिर की जो है वो स्थापना की गई थी। तो कितनी जनता यहाँ पे रहती है, कितनी जनता यहाँ पे जो है वो इकट्ठी होती है? अगर मौसम साफ हो 10-15 हज़ार भी हो जाती है। 10-15 हज़ार मौसम डिपेंड की तो ठंड ज्यादा होती है ना। तो लंगर वगैरह का भी यहाँ पे लंगर? अच्छा, हर साल लंगर को भंडारा हर साल होगा सारे भक्त जनों के लिए यहाँ पे। हाँ, सारे तो सर आप मुझे बताएं कि ये जो यहाँ पे जो ये लंगर है, यहाँ पे जो मंदिर है, ये कौन बनाता है और इस मेले को कौन लगाता है? ये चुचौड़ा गांव है, चुचौड़ा गांव की तरफ से मंदिर वही बना रहे हैं, लंगर वही लगा रहे हैं।
सब चिचौड़ वाले। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भव्य भंडारे का जो है यहाँ पे आयोजन किया गया है। लोग यहाँ पे श्रद्धालु जो आए हुए हैं वो भंडारे का जो है यहाँ पे जो प्रसाद जो है वो खा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बुजुर्ग हमारे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन सी सामग्रियाँ जो है, कौन कौन सी खाने के पदार्थ जो है वो बने हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी देख रहे हैं यहाँ पे कुछ थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे। तो काफ़ी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लोग जो है वो आए हुए हैं और दो तीन जगह पे जो है यहाँ पे भंडारे को जो है लोगों में बांटा जा रहा है। प्रसाद को जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बूर का खट्टा, राजमा की दाल और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे खीर भी जो है वो बनाई गई है। आप इस तरफ नज़र डालिए, यहाँ पे खीर भी बनाई गई है। यहाँ पे काफ़ी सारी जो है प्रसाद जो है बूर का खट्टा, चावल जो है यहाँ पे बनाए गए हैं, पुलाव जो है यहाँ पे बनाया गया है। आप देख रहे हैं भारी मात्रा में जो है यहाँ पे प्रसाद जो है बनाया गया, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आएँ वो यहाँ पे जो है यहाँ से भूखे पेट जो है वो ना जाएँ। और अभी बात करेंगे यहाँ पे जो भंडारे को बांट रहे हैं उनके साथ भी अभी जो है वो बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे भंडारे में लोगों को प्रसाद बांटते हुए जो है वो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बड़े दूर दूर से लोग आए, तो अब ये प्रसाद जो है तो पूरे हमारे इलाके की तरफ से चिंचोड़ा से, तो हम तो बहुत खुश हैं इस बात। जी जी। तो हर साल यहाँ पे जो है वो ये मेला जो है वो लगाया जाता है? हर साल ये 20 जून को ये मेला लगता है। अच्छा, 20 जून को जो है वो मेला यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये जो भंडारा और ये जो बाकी सारी जो इधर जितना भी जो अरेंजमेंट्स हैं ये कौन करवाता है? ये तो ये कमेटी मेंबर बने हुए हमारे चिंचोड़ा से, तो ये सब उन्हीं की तरफ से ये लंगर लगा जाता है। जी जी जी। तो आप भी चिंता से हैं? हाँ, मैं भी उधर चिंचोड़ा गांव से हूँ। जी जी जी। तो इसमें जो भी कोई मतलब पैसा देना चाहे लंगर के लिए वो दे सकता है। ठीक है, अपनी खुशी से। आपने अभी आपने यहाँ पे बात की, यहाँ पे जो मंदिर कमेटी के जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो इन्होंने काफ़ी योगदान जो है इस मंदिर को बनाने में दिया हुआ है, तो थोड़ी सी बात जो इनसे करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अमरीश शर्मा है, मैं गांव चिचोड़ा का रहने वाला हूँ। जी जी। तो यहाँ पे इस मंदिर को बनाए हुए कितने साल हो गए? ये भोले बाबा की कृपा से कम भी ये बड़ा पुराना मंदिर था, लेकिन जो नई कंस्ट्रक्शन हुई है ये 3-4 साल से कंटिन्यू चल रही है। अच्छा, तो अभी तक जो है मंदिर पूरा जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसमें कुछ आपको इतने दूर जो है सामग्री मंदिर की जो मटीरियल है उसको लाने में काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती होंगी? भोले बाबा का आशीर्वाद है, कोई नहीं, भोले बाबा के पूरा आशीर्वाद है हमारे साथ, कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी कितना समय लगे इसको पूरा कंप्लीट होने में? ये तो भोले बाबा ही जाने की कितना समय लगेगा। नहीं, फिर आप कमेटी मेंबर है, आप इतना यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा होगा कि एक साल में खत्म करना या दो साल में या अभी और? भोले बाबा ये चाहेंगे तो 6 महीने में खत्म हो जाएगा। नहीं, भोले बाबा ने चाहा तो कई सदियां लगेगी। अच्छा, तो कितने जो आपने ये मंदिर है कितने मंदिर जो है ये यहाँ पे बना हुआ है? ये इसमें 4 मंदिर ऊपर और आएंगे। अच्छा। नीचे ये यहाँ पे जो सामने देखिए यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना होगी, उस साइड से हवन कुंड होगा। अच्छा। तो ऊपर चारों कार्नर में 4 मंदिर होंगे। अच्छा अच्छा। तो जो नीचे भवन है वो ऊपर जाएगा। अच्छा अच्छा। ये वो स्लोप पे देखते हैं कितना तक आता है। तो अच्छा, मतलब कि 4 मंजिल जो बनेगा ये मंदिर? 4 मंदिर ही है, इसी के ऊपर 4 मंदिर बने, मंदिर इसी पे आप ट्रस्ट डालनी है। तो जो ऊपर बनेगा यहाँ पे भक्तजनों के रहने के लिए रहेगा, या ऊपर भी मंदिर ही जो है ऊपर भी मूर्तियाँ स्थापित की जाएंगी, या धर्मशाला भी बनाएंगे आप यहाँ पे? 4 मूर्तियाँ स्थापना करेंगे, उसके बाद जो जगह बचेगी, स्पेस बचेगा, तो वहाँ पे रहने की। अच्छा, रहने के लिए भी आप यहाँ पे? तो जो रहने के लिए लोग रहेंगे वो एक धर्मशाला के हिसाब से रहेगा या उसका कुछ चार्जेस वगैरह रहेंगे? नहीं, धर्मशाला की तरह रहेगा, या कुछ चार्जेस रहेंगे कि धर्मशाला के तरह? तो लोगों का कितना सहयोग रहा आपका यहाँ पे, मतलब कि इस मंदिर को बनाने के लिए लोग बाहर के लोग कितना सहयोग किया, भद्रवाह के लोगों ने और बाहर के लोगों ने? चल रहे हैं, भोले बाबा की मर्जी है, जिसके भोले बाबा की शुरुआत है वो चल रहे हैं।
भोले भाई सब बाहर लोग कर रहे हैं सर भोले बाबा। अभी आपने बात की अमरेश शर्मा जी से जो कि चिंता के ही रहने वाले हैं, इस मंदिर को बनाने में जो है काफ़ी योगदान जो है इनका है, कमेटी के मेन मेंबर जो हैं ये है, तो आप